हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। ऐसे यहाँ सारा घर बना था, सा पुराना घर है, पुराना पत्थर है, उससे भी दूर दूर तक आता है। भाग लगा दीदी, अभी पुराना पत्थर है, पगला तो घर के भीतरी पूछा है। नल्ली की मांग है, जैसे शौचालय है, शौचालय का पानी गिराने का जगह नहीं है, शौचालय तो घर घर बन गया है, तो कि ठीक है नल्ली हम बना देंगे, ये बात हुआ है। आश्वासन दी ना कि नल्ली बन जाएगी? नल्ली बन जाएगी। हमने के तकलीफ है कि कौचे हम कही का शौचालय का पानी गिरे दूसरा के खेत में, आ खेत वाला हमने सबके बात कहे कि हमने के शौचालय कि हम एक कल करवाए हैं, एक कल चपा कल, जिससे पानी बहुत जरूरी चीज है, वे 5 साल में नहीं किए, कहीं नहीं इस गांव में कुछ। आप तो चलिएगा ना, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा सर कि 5 साल में कुछ नहीं किए। हाँ, जबकि गोद लेता है किसको सर? बेटा बेटी के, और उठा के बेटे बेटी को पटक दिए। बेटे बेटी ये ना है तो हमने के पार्टी के काफिले के साथ चल रहे हैं और अभी सुनवाई गाँव के डोकली में पहुँचे हैं। यहाँ के लोगों की शिकायत है, खास करके उन्होंने मीसा भारती से शिकायत की कि पिछले 5 सालों के दौरान राम कृपाल यादव एक बार भी हमारे गांव में नहीं आए, और जिस सुनवाई गांव को उन्होंने गोद लिया है वहाँ विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं जोड़ा है। चलिए, देख सकते हैं मीसा भारती का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है, और बताया जा रहा है कि मसौढ़ी में वो मसौढ़ी तक जाएंगी और मसौढ़ी में एक सभा को संबोधित करेंगी, और आरजेडी का अपना ये चुनावी जो कार्यालय है उसका भी वो उद्घाटन करने वाली हैं।
बताइए कि आपका वोट किसके साथ?
लालू माला मिल कर मूर्ति धार दी देंगे। ये बताइए कि इससे पहले राम कृपाल यादव थे तो उन्होंने आपके क्षेत्र में कुछ विकास का काम किया है? नहीं किया है, विकास का काम कोई नहीं किया है। मीसा भारती से कितना उम्मीद है? मीसा भारती जी से उम्मीद है कि विकास का काम करेंगे, जीतेंगे? हाँ, मीसा भारती विकास का काम करेंगे करेंगे। आपका वोट किसके साथ? हमारा वोट महागठबंधन के साथ है, जो भाकपा माले से हैं, हमारे संगठन तालमेल में है, इसलिए यहाँ पर वोट जा रहा है। और इसलिए है कि देश को बचाना है, संविधान बचाना है। आज हमारे संविधान पर आँच आया हुआ है, जो कि हक अधिकार को लूटा जा रहा है मोदी सरकार में, समझे? इसी के बचाने के लिए महागठबंधन का हम लोगों का वोट जा रहा है। आपका वोट किसके साथ? आरजेडी का। जी सर, आरजेडी को क्यों वोट कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने कभी किसी प्रकार का वैकेंसी 5 साल में नहीं निकाला युवाओं के, इसी कारण से हम लोग आरजेडी को, कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहते हैं कि हर समय वो वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को भी ध्यान में रखते हैं, इसीलिए हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये बताइए कि 5 सालों से राम कृपाल यादव जी आपके यहाँ के सांसद थे, तो क्या उन्होंने विकास का ऐसा काम कुछ किया है जिसको आप याद करें? विकास का काम तो ऐसा किए कि उनके 5 साल में स्वच्छता अभियान के नाम पर हमारे माताओं बहनों को ताली बजा करके पर्दे से उठाया गया। ये कैसा विकास है, जो कि हमारे जो चलिए यहाँ स्टेशन है मसौड़ी में, वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, हमारे घर में खाना खाई हो रहने की जगह नहीं है, अभाव में बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, शौचालय हो, कौन नहीं चाहता कि शौचालय हो, लेकिन ऐसा कह करके गरीबों को नंगा मतलब बेइज्जती किया गया। इसी रामकृपाल यादव जी मंत्री रहे केंद्र सरकार में, तो उनका मंत्री होने का आपके क्षेत्र को कोई फायदा मिला कि नहीं? फायदा नहीं मिला, फायदा जो हम देख रहे हैं गांव का, यहाँ गोद लिए हैं सुनवाई में, वहाँ भी हमने देखा, लेकिन विकास वैसे ही है जो देखिएगा, जो शौचालय जो भी बना है थर्ड क्लास के बना है, जो कि ढहना शुरू हो गया है, जिससे ये कैसा विकास है, गिरना शुरू हो गया शौचालय। आप बताइए आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित होगा? अरे जुमलेबाजी चल रहा है यहाँ, और बैकवर्ड के तो एकदम बर्बाद करके छोड़ दिया मोदी जी। क्या इस बार का चुनाव 85% बनाम 15% हो रहा होगा? श्योर होगा, श्योर होगा। ये बताइए कि उधर भी राम कृपाल यादव भी यादव समुदाय से आते हैं, तो क्या लगता है कि इसका प्रभाव पड़ेगा मीसा भारती के उम्मीदवार पे या जीत पे? यादव समाज का वोट आरजेडी में जाएगा, आरजेडी में जाएगा, बटेगा नहीं यादव? वो तो 5% 2% बटना तय है वो तो, लेकिन और सब मतलब समीकरण के हिसाब से कौन जीत रहा है? आरजेडी, मीसा भारती। मीसा भारती को क्यों जिताना चाहते हैं आप? महागठबंधन जिताना चाह रहे हैं हम लोग, बीजेपी के खिलाफ जिताना चाह रहे हैं हम लोग। आप बताइए आपका वोट किसके साथ? मीसा भारती, ललटेन, ललटेन साहब। आप बताइए, आप कितनी बड़ी झंडा लेकर खड़ी हैं, आपका वोट किसके साथ? मीसा भारती के साथ है। मीसा भारती के साथ? मीसा भारती के साथ क्यों? मीसा भारती को क्यों जिताना चाहती है? जिताना चाहती है, महिला है, जिताना चाहती है, महिला है, महिला लोग को जिताना चाहती हैं। ये बताइए कि अगर मीसा भारती चुनाव जीतती हैं तो आपको लगता है कि वो राम कृपाल यादव से बढ़िया काम करेंगे? नज़र तक तो लग रहा है कि बढ़िया काम करिएगा, अब तो अब समय अनुसार को कम दिख रहा है, लेकिन बढ़िया काम तो मुझे नज़र तो लग रहा है कि करिए। राम कृपाल जी ने के काम से आप कितना खुश हैं? खुश खुश करके नहीं किए हैं तो हम खुश किया रहेंगे, हम कभी देखे नहीं किए हैं कि कितना काम किए हैं कि ना किए हैं, तो क्या खुश रहेंगे? कुछ किए ही नहीं है तो खुश कैसे होंगे? आप बताइए आपका वोट किसके साथ? मीसा भारती के साथ है। मीसा भारती को क्यों जिताना चाहते हैं? अच्छा उम्मीदवार है। अच्छा उम्मीदवार। राम कृपाल जी खराब हैं? उनको तो खैर हम लोग नहीं समझता है, ये चेहरा नहीं दिखाई दिए हैं। दिखाई नहीं दिए? नहीं दिखाई, मतलब जीत के गए उसके बाद दिखाई नहीं दिए? नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। आप बताइए भैया, हम ललटेन के पक्ष वोट देंगे, ललटेन को देंगे? ललटेन तो नीतीश जी कहते हैं कि ललटेन को देंगे तो फिर ललटेन योग आ जाएगा। नहीं नहीं, मतलब ललटेन भरेगा, भरेगा।
जलेगा? हाँ जलेगा, हाँ जलेगा, हाँ जलेगा। लालटेन आधुनिक हो गया है। तो ये है धनरुआ की जनता की राय, खास करके मीसा भारती के काफिले में और उनका जो रोड शो है उसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं, लड़कियां, यूथ और पुरुष तो होते ही हैं, लेकिन लड़कियों और महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी होती है, क्योंकि वो खुलकर अपनी बातें मीसा भारती के सामने रखती हैं और जो भी उनकी मांगे होती है वो उनके सामने रखती हैं और मीसा भारती भी उन्हें आश्वासन देने में कोई गुरेज नहीं करती और कहती हैं कि वो सब कुछ किया जाएगा जो विकास का काम पिछले 5 सालों से ठप पड़ा है। करने वाले लालू जी है, लेकर जनता के चलते जेल में आज तक 10 साल से लालू यादव जी खट रहे हैं। जनता में क्या बात, तो गरीब का चक्की देते थे और आटा देते थे पीसे ला और अभी तो हर जन को सब वही लूट सिखाए। लालू जी कहे करे बच्चों मट्टी गलाओ फूस उड़ाओ लालू का जीताओ। तो लालू जी जनता मेरे बिहार को जनता के चलते मेरे लालू जी जेल में है, वो चोरी नहीं किए हैं। बाकी लोग जितने और पेचुल्ला है जो का किए हैं कि लालू जी पर केस लाद कर और जेल भेजे, बाकी वो चोरी नहीं करते थे, जनता के दान बांटते थे और जनता के लिए वो अपने जेल में खटते हैं। ये बताइए कि मीसा भारती को वोट करेंगे आप? मीसा भारती तो उनको बच्ची है तो कह दिए कि पापा के मुरे थावा गुड़िया बग माई पापा के मुरे थावा बाउड़ई बई बा बेटिया ग मीसा भारती ही लो पापा भारत के गुड़िया बग माई भारत के झंडा ब मीसा भारती के लिए है। हाँ मीसा भारती है तो उनको बच्ची है तो उनको पापा किए हैं तो जरूर 10 साल में गरीब को हिया आज तकला फूसे और मट्टी रहा। बाकी लालू जी आए तो सबको उठान बैठान करें और कहें कि गरीबों का जितना है जो सबको ले कर चले। और वो कहते थे जो बर्नी फील्ड पर आए थे अरे भाई सब महिला नहीं चराए हैं, लोग का सिखावेला चराए हैं। क्या कि गरीब के पास राइफल ना है, गरीब के पास बारूद नहीं है, जब है तो बर्कन के पास। जे सबको आवे दो और मैं समझ लूँगा भाई चराऊंगा। तो लालू यादव बिहार में सभी गरीब को उठान दिए हैं और सभी को मकान ईटा सो बनाए, मट्टी गला और फूस उड़ा और गरीब का मकान बना। सपा का बसपा से कांग्रेस का कांग्रेस से भाजपा का लोग दंगल 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 हो।
कोई नहीं। गरीब का रक्षा करते हैं। हाँ गरीब के रक्षा हम लोग, इसीलिए आप लोग का वोट है। हाँ हाँ ज्यादातर जीतकर तो बहुत विकास देते सबको। लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि जंगल राज ले आए थे। मोदी जी तो अपने जंगल राज लिए, पीएचडी लगाओ तो रुपया बदलो तो विदेश में घूमते में 5 साल बीत गए ना। चाहे रहते थे कि हम मंदिर बनाबो तो ये करबो विकास करबो अब की भरा जिताबो रोड डेली डेली कर विदेश घूमे से उनका छुट्टी होला ये भाई 5 साल बात की बात ना है कि मंदिर बना देते वहाँ अयोध्या में राम मंदिर। मोदी का बस की बात नहीं है कि अयोध्या में वहाँ राम मंदिर बना देंगे, वहाँ सब जब जब खोदा जाता है जब कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। ये कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट कीजिए, तो क्या आपको लगता है उनका ये जो मांग है वो जायज है, वो जो वोट जिस तरह से वोट मांग रहे हैं वो सही है? जैसे देखिए है, लेकिन युवा का जो होता है ना थोड़ा बहुत, उसके लिए कुछ नहीं किए मोदी। जिसका 4 साल था समझिए को लैप्स हो गया उसका उम्र, तो अब तो कोई जो वैकेंसी नहीं भरेगा जब तक दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं या डिग्री नहीं लगा तब तक, वही ना कह रहे भाई। यही हम लोग का एक वो हौसला था कि चलो बीजेपी आया तो बोल रहा था कि सालाना 1 करोड़ अभी जॉब वैकेंसी देंगे, सब रद्द हो गया, 4 साल उम्र एक्सपायर हो गया, सब कितना क्या करेगा। आपका वोट किसके साथ है? मेरा तो उसी के साथ है, उसके खिलाफ एकदम बीजेपी, बीजेपी के खिलाफ है। हाँ 4 साल से वैकेंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और हमारे साथ हैं डॉक्टर मीसा भारती जो सुबह से ही आज अपने क्षेत्र में प्रचार में जुटी हुई हैं, रोड शो में जुटी हुई हैं। रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। ये बताएं कि आप सुबह से रोड शो कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स जनता से मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, जितने भी वहाँ गठबंधन के दल हैं, चाहे वो रालोसपा हो, कांग्रेस हो, हम हो, वीआईपी पार्टी हो, माले हो, सब लोग के कार्यकर्ता आप सुबह से अगर आप साथ में हैं तो आप देख रहे हैं जिस तरह से पटना से हम आ रहे हैं और जिस तरह से उन लोगों ने स्वागत किया अपने प्रत्याशी का, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और ना सिर्फ कार्यकर्ताओं का रिस्पॉन्स और पदाधिकारियों का रिस्पॉन्स, जनता का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है महागठबंधन के प्रति। और क्योंकि हम लोग हमेशा मुद्दों के मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो इससे भी और ज़्यादा सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है। जहाँ की आप देखें कि पिछली सरकार जो 5 साल जिसने पूरे किए और जिस तरह के उसने वादे किए थे, तो जनता में काफ़ी आक्रोश है और ख़ासतौर पे आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया जब आपने देखा कि केंद्र और राज्य की सरकार दोनों ने जो जिस तरह से जो महागठबंधन हम लोगों ने जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया था और बिहार की जनता ने बहुत विश्वास किया था इस गठबंधन पे और मैंडेट दिया था उसके लिए, जिस तरह से यहाँ के नीतीश जी ने इसको तोड़ने का काम किया, तो जनता बहुत ख़ासतौर पर बिहार की जनता राजनीतिक तौर पर बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, बहुत बारीकी से इसको देख रही है और समझ रही है। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।